खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको आज की इस क्लास में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि एक रास्टर इमेज को वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सो मेरे सामने यहाँ पर एक रास्टर इमेज मौजूद है, इसको अभी हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से फिल को कैंसिल करके स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और स्ट्रोक का जो कलर है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जो इमेज का कलर है हमेशा हमें उसका अपोजिट कलर सेलेक्ट करना है, ताकि हमें पता चल सके हमारी शेप किस तरीके से ड्रा हो रही है। तो जितना भी मेरा ये वाइट वाला एरिया, पहले मैं इसको ड्रॉ करूँगा। इमेज बहुत ही सिंपल सी है, इसमें हमें बस जितने से कर्व हैं शेप के अंदर, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ हो। जहाँ से हमारी शेप डिस्टर्ब हो वहाँ हमें स्मूथ टूल का इस्तेमाल कर लेना है, ताकि हमारी शेप जो है बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म में आ जाए। तो हमारी इमेज का जितना भी ये वाइट वाला एरिया था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इन सबको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से फिलअप कर दूँगा। सो हमारी इमेज का जो फर्स्ट पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट शेप की तरफ। सो उसके लिए मैं यहाँ से अगेन कलर सेलेक्ट करता हूँ, और जितना भी हमारा ये ब्लैक वाला पार्ट है अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ये इमेज भी बहुत ही सिंपल सी है, इसमें भी हमें जितने भी ये कर्व हैं हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म में ड्रॉ हो। सो यहाँ पर मैं स्मूथ टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो हमारी इमेज का जितना भी ये सेकेंड पार्ट था वो भी बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसको भी यहाँ से फिलअप कर देते हैं। सो जैसे ही मैंने इसको फिलअप करा तो हमारी इमेज का जो फर्स्ट पार्ट था वो बिल्कुल हाइड हो चुका है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको इसकी आइकन क्लोज़ करूँगा, और जितना भी मेरा ये रेड वाला एरिया इसको मैं अरेंज में आकर ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, और जो मैंने आइकन क्लोज़ किया था इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो हमारी शेप का जो सेकेंड पार्ट था और फर्स्ट पार्ट था वो बिल्कुल कम्प्लीट है। अब बारी आती है अपने थर्ड पार्ट की। सो चलते हैं उसको ड्रॉ करने की तरफ।
यहाँ से मैं सर्कल लेता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर इसको राउंड में शेप बनाऊँगा और इसको यहाँ से फिलअप कर देते हैं। और इसी की मैं कॉपी लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और अपनी जितनी भी बाकी की शेप्स हैं वहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो हमारी मेज का जो फाइनल पार्ट था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद फिलअप कर देता हूँ। सो हमारी मेज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें कलर फिलअप करने की। तो इन सबको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में आके इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। और एक्सपेंड करने के बाद हम वन बाय वन इसमें कलर फिलअप करेंगे। तो सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट सेम फिल स्ट्रोक और आई ड्रॉपर टूल से इसमें हम कलर फिलअप करेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी के पार्ट्स में कलर फिलअप कर लेते हैं। सो हमारी इमेज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। रास्टर से वेक्टर ये इमेज बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।